कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज, जो मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। योगी सरकार बनाम प्रियंका गांधी बस विवाद अब खूब राजनीति हो रही है। आरोप प्रत्यारोप और मुकदमे का दौर चल पड़ा है। आगरा में बुधवार को लखनऊ पुलिस द्वारा धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज के मामले में गिरफ्तार किए गए उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बताया कि बुधवार देर रात लल्लू को लखनऊ लाया गया और उनका चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने के बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अवस्थी ने बताया कि मंगलवार देर रात लल्लू को अस्थायी जेल में रखा गया था। कोरोना वायरस की रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि नहीं होने के बाद उन्हें लखनऊ भेज दिया गया। एक केस में जमानत मिल गई थी, लेकिन दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिए गए। लल्लू को आगरा की एक अदालत ने बुधवार को अंतरिम जमानत दे दी थी और उन्हें 20,000 रुपए के निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के मीडिया संयोजन लल्लन कुमार ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को एक स्थानीय अदालत ने बुधवार दोपहर जमानत देकर रिहा कर दिया था, लेकिन जमानत के तुरंत बाद ही लखनऊ पुलिस की टीम ने राजधानी के हजरतगंज थाने में मंगलवार को दर्ज एक मामले के सिलसिले में प्रदेश अध्यक्ष को फिर से गिरफ्तार कर लिया। लल्लू को मंगलवार को आगरा में गिरफ्तार किया गया था क्योंकि बसों को उत्तर प्रदेश में प्रवेश नहीं दिए जाने के विरोध में वह धरने पर बैठ गए थे। गिरफ्तारी के बाद उन्हें अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ पुलिस लाइन में रखा गया था। कांग्रेस ने कहा यूपी में जंगल राज है, लल्लू को गरीबों की मदद की सजा दी जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को गरीबों और मजदूरों की मदद करने की सजा दी जा रही है। पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बताया अहंकार में चूर योगी सरकार ने बसों का प्रस्ताव ठुकरा दिया और साथ ही गंदी राजनीति की। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को दोबारा गिरफ्तार कर 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लल्लू के खिलाफ दर्ज मामले पर पुनर्विचार करना चाहिए और अपनी गलती सुधारनी चाहिए। आपको याद दिला दें कि ये राजनीति प्रियंका गांधी के उस प्रस्ताव के बाद शुरू हुई जिसमें लॉकडाउन के चलते पैदल ही अपने घरों पर लौट रहे प्रवासी श्रमिकों की मदद के लिए अपने खर्चे पर 1,000 बसें प्रदेश में भिजवाने के लिए राज्य के योगी सरकार को पेशकश की थी।